हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज किचन। आज हमारे रेसिपी है करारे झींगे और क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन्स। ये रेसिपी बनाने के लिए हमने लिए है 500 ग्राम प्रॉन्स और ये प्रॉन्स को मैंने अच्छे से धो के क्लीन कर लिए हैं और इसको डीवेन भी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि सारे प्रॉन्स को जो है मैंने बीच में से कट कर लिया है और इसके अंदर एक काला सा थ्रेड टाइप का होता है, सूता जैसा, उसको निकाल के फेंक के अच्छे से इसको क्लीन करके सारे पानी इसका झड़ा के ले लिए हैं। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे, उसके लिए लगेंगे कुछ मसाले। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 नींबू। सबसे पहले मैं सारे मसाले ऐड कर लूँगी अपने प्रॉन्स में। फिर हम ऐड करेंगे 1 और 1.5 टीस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट, लहसुन के पेस्ट। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे इसमें अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें सेजवान चटनी, ये रेडीमेड आता है मार्केट में, मैंने वही वाला लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने ऐड कर लिया है। नेक्स्ट हम जो 1/2 नींबू लिए थे उसको अच्छे से निचोड़ के उसका रस निकाल लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसमें करीब 1 टीस्पून सरसों का तेल। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के तैयार कर लूँगी। अच्छे से पूरा अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले जो है वो मैंने प्रॉन्स के साथ मिला लिया है। ये मैरिनेशन मेरा हो गया है। इसको हम क्लीन रैप से रैप करके ढक के कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आपके पास टाइम हो तो आप इसको 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। मिनिमम कम से कम 30 मिनट और 1/2 घंटा आपको रखना ही पड़ेगा ताकि सारे मसालों का जो फ्लेवर्स है वो प्रॉन्स के अंदर अच्छे से आ जाए। मैंने प्रॉन्स को निकाल लिया है फ्रिज से, ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इस प्रॉन्स में मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर को मैं अच्छे से प्रॉन्स के साथ मिक्स कर लूँगी और इधर मैंने गैस पे अपना कढ़ाई चढ़ा लिया है, उसमें मैंने डाला है सनफ्लावर ऑयल और उसको ऑयल को मैं हीट होने के लिए रख दिया। ये जो क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन्स है इसको फ्राई करने के लिए हमें बहुत तेज आंच में ऑयल को बहुत अच्छे से हीट करना है। ऑयल में से धुआं निकलना स्टार्ट होगा उसके बाद ही हम प्रॉन्स डालेंगे। ऑयल अगर थोड़ा सा कम गर्म होगा, अगर मीडियम गर्म होगा तो प्रॉन्स डालते ही पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा और सारे जो मसाले का कोटिंग है वो निकाल के बाहर आ जाएगा। इधर मैं प्याज कट कर ले रही हूँ। प्रॉन्स के साथ सर्व करने के लिए मैं एक प्याज का सलाद बनाऊँगी, उसके लिए मैं प्याज कट कर ली हूँ। लंबा लंबा स्लाइसेस में मैं प्याज को कट कर रही हूँ। ये जो प्रॉन्स है ये बहुत ही टेस्टी होता है, चटपटा सा एक रेसिपी है। इसको आप स्टार्टर के हिसाब से सर्व कर सकते हैं या तो आप इवनिंग स्नैक्स या मॉर्निंग स्नैक्स कभी भी सर्व कर सकते हैं। इसको आप दोपहर या रात का डिनर के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ, पराठे के साथ। ये बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है।
प्याज को मैंने कट कर लिया और लिया है मैंने इधर आधा नींबू। उधर मेरा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, मैंने सारे प्रॉन्स उसमें डाल दिए थे। सारे प्रॉन्स डालने के बाद एक तरफ अच्छे से लाल होने तक हम लोग उसको फ्राई होने देंगे, तब तक हम लोग इसको चलाएंगे नहीं। कम से कम 3 से 4 मिनट हाई हीट पे प्रॉन्स को हम लोग फ्राई होने देंगे बिना चलाए। अब मैंने यहाँ पे एक कटोरा लिया है, उसमें मैंने जो प्याज के स्लाइसेस बनाए थे उसको डाल दिया। उसमें डाला मैंने 1 पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, 1 पिंच ऑफ लाल मिर्च पाउडर और आधा नींबू का रस। इस पे मैं थोड़ा सा फ्रेश धनिया के पत्ते को भी चॉप करके डालने वाली हूँ। आप देख सकते हैं एक तरफ का प्रॉन मेरा फ्राई हो चुका था और मैं बीच में उसको पलट भी दिया था। ऑलमोस्ट मेरा प्रॉन्स अभी क्रिस्पी हो गया है, बस और 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे हाई हीट में और हम तेल से इसको निकाल लेंगे। हमारा प्रॉन्स फ्राई होके एकदम रेडी हो गया है, एकदम हॉट एंड क्रिस्पी है ये। इसको हम लोग तेल से छन के निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। आपने देखा ये कितना इजी रेसिपी है और एकदम चटपट बन जाने वाला रेसिपी है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। सारे प्रॉन्स मेरे फ्राई हो चुके हैं और मेरा सलाद भी रेडी हो चुका है जो मैं प्रॉन फ्राइज के साथ सर्व करने वाली हूँ। अब करते हैं इसका प्लेटिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ घर में ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स में। बहुत ही क्विक एंड सिंपल सा एक रेसिपी है और ये पार्टी स्टार्टर के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा एक रेसिपी है। बहुत झटपट बन जाएगा और आपके गेस्ट भी खा के बहुत तारीफ़ करेंगे। इसको हम लोग सर्व किए हैं टोमेटो केचप के साथ। आप इसको मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं या तो आप इसको मस्टर्ड सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ों के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज किचन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।